जितने हमारे सी एस सी बी एल ई भाई हैं जो ई साइन डिजिटल साइन करना चाहते हैं, दोस्तों जैसे जब भी हम कोई फॉर्म डालते हैं या पेंशन का फॉर्म हो गया या कोई भी फॉर्म डालते हैं, तो अधिकारी के दोस्तों डिजिटल साइन बने होते हैं और वो डिजिटल साइन होकर ही अधिकारी के पास फॉरवर्ड होते हैं। तो दोस्तों डिजिटल जो साइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सेवा दोस्तों सी एस सी पर स्टार्ट हो चुकी है। आइए उस पर हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डाल लेना है ई साइन, यहाँ पर डालेंगे ई साइन क्लाउड सी एस सी क्लाउड डॉट इन। जैसे ही दोस्तों आप गूगल पर डालते हैं तो यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा ई साइन सी एस सी क्लाउड डॉट इन, यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से गेट योर साइनर आई डी नाउ, यहाँ से आपको क्लिक पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बिफोर योर स्टार्टिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेशन शुड बी है, यहाँ पर दोस्तों केवाईसी आधार मांगा गया है, वो किस प्रकार से करना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यूडीआई की वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर यूडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। चलिए दोस्तों मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। आपको दोस्तों ऑफलाइन पेपर केवाईसी आपको डाउनलोड करना होगा। अब देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी बेटा, यहाँ पर इसको आपको इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका आधार नंबर हो वो आपको यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर देना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर करना है, जो भी कैप्चा दिया हुआ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, कैप्चा आपका चेंज हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से कैप्चा को डाल लेता हूँ। कैप्चा को डालने के बाद आपको इंटर ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ आपका दोस्तों प्लीज योर इनवैलिड, यहाँ पर हमारा कैप्चा इनवैलिड बता रहा है। दोस्तों हम फिर से कैप्चा को डाल लेंगे। कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी गया है, वहाँ पर आप यहाँ पर ओटीपी आपको दर्ज करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल लिया है। इसके बाद ये लिखा है क्रिएट योर कॉपी योर पेपरलेस ऑफ केवाईसी, यहाँ पर आपको एक पिन जनरेट करना होगा 4 डिजिट का। चलिए मैं यहाँ पर 4 डिजिट का जनरेट कर लेता हूँ। इसके बाद डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। ये हमारी दोस्तों ऑफलाइन केवाईसी डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ ई साइन वाली वेबसाइट पर आएंगे। इसके बाद एग्री टू प्रोसीड, यहाँ पर बताया गया वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, इसके बाद एग्री टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों इन पेजों को हम क्लोज कर देते हैं जो बाकी पेज हमारे खुले हुए हैं। यहाँ पर आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल सबमिट करनी है। यूजर नेम में दोस्तों आप मोबाइल नंबर चूज कर सकते हैं या यूजर नेम आप डाल सकते हैं। मैं दोस्तों यूजर नेम में मोबाइल नंबर का उपयोग करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। चलिए मैं फटाफट से ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल एज पर आधार, क्या ईमेल आपके आधार पर अरेद है, यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पैन नंबर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो हमने फाइल बनाई है उस फाइल को हम यहाँ से ले लेते हैं, हमारी डाउनलोड पर गई थी। डाउनलोड होने के बाद ये दोस्तों अभी जिप फॉर्मेट में है, तो ये यहाँ से अगर हम इसको अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों XML में हमें वो फाइल चाहिए। तो हम दोस्तों राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद ओपन करेंगे और यहाँ से हमें ऑफलाइन KYC मिल गया। इसके बाद इसको यहाँ से हम यहाँ पर जो हमने पिन बनाया हुआ था वो पिन हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर वो पिन इंटर कर देता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये फाइल हमारी ऑफलाइन, यहाँ पर जो शेयरेबल कोड अभी आपने डाला है वही कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पिन बना लीजिए।
कोई भी जो आप बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पिन बना लिया, 6 डिजिट का आपको पिन बनाना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यू, यहाँ पर आपको OTP आएगा, OTP जनरेट करना है। ईमेल वेरिफिकेशन एंड मोबाइल वेरिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस हमें कंप्लीट कर लेने हैं। ये दोस्तों हमारी मेल पर गया है, चलिए हम यहाँ से मेल को ओपन कर लेते हैं। मेल में हमारा ये OTP यहाँ पर, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर को भी हम वेरीफाई करेंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर को हमने वेरीफाई कर लिया। CCA सब्सक्राइब योर एग्रीमेंट, यहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए पढ़ना चाहें तो। इसके बाद यहाँ से एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका 5 डेज वैलिडिटी, फ्री आपका फ्री पैकेज है, यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे, इसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है माई नेम इज हिरेंद्र सिंह एंड आई हैव बीन अप्लाइड फॉर CSE ई साइन सर्विस, ये आपको वीडियो कैप्चर में बोलना है। अब ये दोस्तों यहाँ पर आपको 20 सेकंड टाइमर दिया जाएगा, उतने 20 सेकंड में आपको ये चीज़ बोलनी है। चलिए यहाँ से मैं दोस्तों कैप्च वीडियो क्लिक करता हूँ। माई नेम इज हिरेंद्र सिंह एंड आई हैव अप्लाइड फॉर CSE ई साइन सर्विस। वीडियो कैप्च होने के बाद यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे। ये दोस्तों हमारा यहाँ से ई साइन का फॉर्म भर चुका है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप ई साइन का फॉर्म भर सकते हैं, डिजिटल ई साइन। और कुछ समय बाद आपको मेल प्राप्त हो जाएगा, जब भी कंफर्मेशन आती है तो हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू, नमस्कार।